हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉग। वो तो कैसे हैं आप लोग? अरे यार, ये मोबाइल, एक तो मेरे ये भाई लोवर में ना क्या चेन नहीं है, जो जेब में रहती है ना चेन, वो नहीं है, तो इसमें मोबाइल सा रखने लगता है, वो फिर दिमाग ख़राब होता है, ऐसा लगता है गिर ना जाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक नए जिम, मतलब मैंने जिम छोड़ नहीं दिया, मैं दूसरा जिम देखने जा रहा हूँ कि कैसा है। एक नया जिम है, मतलब आप लोग के लिए नया है, वो कटनी में नया नहीं है, कटनी में बहुत पुराना है, जहाँ भी मैं जाता हूँ उससे भी पुराना है वो शायद, क्योंकि मैं जिम चेंज करने का क्यों सोच रहा हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे, वो इसीलिए क्योंकि बस ऐसे ही मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ। बाकी ये एंगल कैसा लग रहा है आपको? ये मैंने नया हेलमेट लिया है, उसमें लगाया हुआ है, वैसे हेलमेट भी पुराना हो चुका है, पर लगाया नहीं था, पुराने वाला बस यूज़ करता था। इसमें मैंने अभी आज ही लगाया है ये माउंट गोप्रो से, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, एम सील से। तो ये हमारा व्यू है एक नंबर, और ये आपको हल्का हल्का ब्लू ब्लू सा लग रहा होगा ना सब कुछ, वो इसीलिए क्योंकि ऑटो वैलेंस को मैंने 3200 केल्विन में करके रखा है, उससे थोड़ा थोड़ा ब्लू जैसा लगने लगता है। अब वो मैं चेंज नहीं कर रहा, बस ऐसे ही। अब मेरे को ये भी नहीं पता क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था, तो आवाज़ कैसी आ रही है, सब कैसा लग रहा है। बाकी यही है अपना आज का व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ जिम नया देखने, सब कुछ मेरे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस कुछ कुछ अच्छी मशीन है और अच्छा, मतलब जो जो मेरे को चाहिए बस उतना बस हो बस। और बाकी पुराना जो जिम है वहाँ की फ़ीस 2500 रुपये, जो कि कटनी के हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि भोपाल में जहाँ मैं जाता था वहाँ की महीने की फ़ीस थी 2000, तो कटनी के जिम की फ़ीस 2500 क्यों है, ये कौन सी बात है। और मैं फ़ीस की वजह से चेंज नहीं कर रहा हूँ, फ़ीस तो मैं दे ही रहा था ना 3 महीने से, उसकी वजह से चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही। और अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं चेंज कर दूँ, अभी मैं देखने जा रहा हूँ, अगर मैं पूछूँगा कि आज मैं यही कर लूँ क्या अपना वर्कआउट, देखते हैं, अगर उन्हें हाँ बोला तो आज अपना वर्कआउट मैं वहीं कर लूँगा, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कैसा क्या जिम है। अगर अच्छा लगा, ये क्या कर रहा है, अगर अच्छा लगा तो अपन ज्वाइन कर लेंगे, वरना तो पुराना जिम है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जिम छोड़ने का सोचा अभी था। वैसे आपको मैं अपना बॉडी वेट अपडेट दे दूँ, मेरा बॉडी वेट था जनवरी में कुछ 90 था, और अब है 84.7, तो प्रोग्रेस तो है और दिख भी रहा है, पतला तो हो गया हूँ मैं। अरे यार, ये मोबाइल फिसलने लगता है यार, मजे नहीं लेने देता। अब तो बहुत हो गए जिम की बातें। एक तो अरे ये लाइट कैसी यार, ये मैंने नहीं लगवाई ये लाइट, मतलब लाइट का बल्ब चेंज करवाया ये थोड़ा, लेकिन कुछ काम का भी नहीं लग रहा, जैसे पुरानी। ये मैं अभी इतना बड़बड़ा इसलिए रहा हूँ कि अभी जस्ट मैं कॉफ़ी पी के आया हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद तो थोड़ा जो एड्रेनलिन रहता है ना, मतलब जो भी कुछ रहता है वो बढ़ जाता है। ये वो जिम है साइना फिटनेस सेंटर, यहीं आके अपन को चेक करना है कि कैसा है। ठीक है, अभी चलता हूँ, देख के आता हूँ, अच्छा लगा तो घुस जाऊँगा वरना नहीं घुसूँगा। और आपको मैं जिम के अंदर का नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है, वो फिर कभी बाद में, अभी मैं खुद चेक कर लूँ पहले, फिर आप लोग को चेक करवाऊँगा। ठीक है, तो या आई विल सी यू गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी जिम गया था वो नए वाले साइना वाले, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो उतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो इक्विपमेंट्स, वेट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह, वो सब बहुत पुरानी पुरानी सी लगी मेरे को, मतलब ऐसा कुछ बहुत ख़राब नहीं है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब समझ जाओ अब। अरे यार, ये तो और फ़ोन तुम्हारी ऐसी फ़ोन की, और कटनी की धूल,
कुछ काम का शहर नहीं है, कुछ काम का मतलब बेफालतू की धूल है कटनी में। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जिम गया था और वापस आते इस टाइम की साथ जितनी भी फुटेज थी वो उसमें सिर्फ उसमें आवाज़ ही नहीं थी, मतलब आवाज़ थी लेकिन सिर्फ हवा की आवाज़ थी। इतना प्यारा कंटेंट था, इतना प्यारा मज़ा आ गया था मेरे को बनाते वक्त, लेकिन आवाज़ ही नहीं है। वाह यार, हाँ ऐसा ही होता है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि सही आवाज़ रहेगी, वरना अगर अब आवाज़ नहीं रही तो अब मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद कभी व्लॉग नहीं डालूंगा। हाँ तो जिम का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सामान पुराना था और यार एक तो देखो, एक पहली बार में जो मैं रिव्यू दे देता हूँ ना, ये दूसरी बार मेरे से नहीं होता। मैं कोई वो नहीं हूँ जर्नलिस्ट वगैरह कि दूसरी बार भी सेम टू सेम बोल दूंगा। मैं सिर्फ जो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ वो बताता हूँ, वो पहली बार में ढंग से बता पाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये था कि जो कार्डियो वाला एरिया है वो पूरा अलग है। अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी पूरा अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या पूरा एक फ्लोर ही कार्डियो वाला है, और यहाँ पे बॉक्सिंग वाला बैग भी है और ग्लव्स भी है और पैड वर्क वाला भी है। मैंने ये पूछना भूल गया कि क्या बॉक्सिंग का भी कुछ कुछ करवाते होगा, तो मेरे को तो नहीं लगता करवाते होंगे क्योंकि बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करवाते होंगे। तो ये एक और जो चीज़ है कि लोग भी कम आते हैं, और लोग भी कम मेरे को शायद इसीलिए लगे क्योंकि जो जिम का एरिया है ना वो बहुत बड़ा है अंदर से, तो जैसे बाहर से देखो ना तो छोटा सा लगता है, बिल्कुल मासूम सा। अंदर घुसो तो डोरेमोन की पॉकेट, समझ रहे हो, अंदर घुसते ही इतना बड़ा। तो बस वही बात है। और मैं भूल गया था कि वहाँ पे गड्ढा है। जहांगीराबाद की गाड़ी, अरे क्या बोल रहा हूँ, झारखंड की गाड़ी। जहांगीराबाद। बाकी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे अभी जा रहा हूँ वहीं जाता रहूँ, एक आध महीना और अच्छे से जाके देखूँ। अब जब जा ही रहा हूँ तो जाता रहूँगा, उसमें क्या है फिर। वो तो मैं इसलिए सोच रहा था कि कुछ नया मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो सोचा चेक कर लूँ। और इसीलिए भी क्योंकि ये भी दूर है वो भी दूर है, और मेरे को क्या दूर जो रहता है ना वहाँ पे जाने मज़ा आता है। देखो मेरे घर के पास भी बहुत सारे जिम है, ठीक है, अच्छे अच्छे जिम है, ऐसा नहीं कि बेकार जिम है, घर के पास भी एक नंबर जिम बने हुए हैं। लेकिन फिर वो क्या, ये डिस्टेंस ही कम हो जाएगा, तो बाइक चलाने में देखो पहली बात तो मैं जिम जाता क्यों, मुझे बाइक चलाने मिलती है, ठीक है, बाइक दिन भर चला सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या कुछ मतलब नहीं रहता दिन भर चलाने में। क्या कहीं जाओ तो मज़ा आता है, ऐसे ही मैं दिन भर घूमता रहूँगा। जैसे मैं घूमने भी कहाँ निकलता हूँ, जैसे घर से निकला तो पीर बाबा तक, ये मेरा घूमना होता है, तो उसमें क्या मज़ा, उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं है कि कुछ पर्पस हो तुम्हारे जाने का, कुछ पर्पस ही नहीं है, बस ऐसे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो जिम जाते रहो तो कुछ एक पर्पस रहता है जाने का, वो दिन भर का एक पर्पस हो जाता है। ये भी बोल सकता हूँ कि मैं काम में जा सकता हूँ, ये नहीं बोलना कि काम में जा सकता हूँ, नहीं जिम जाते। बस हाँ, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, काम में भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन जाता हूँ, बस वही बात है। इसलिए मैं ये वाला जिम भी देखने आया था क्योंकि ये भी दूर ही है, उतना दूर नहीं है शायद, और क्या पता। वो बस वो दूर इसलिए लगता है कि वो बीच बीच से ऐसे ऐसे मार्केट में घुस के जाना पड़ता है, और ये वाला रोड सीधा सीधा है तो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूर तो ये भी है और दूर वो भी है। और बाकी सब बढ़िया है। जिम का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि मैंने क्या सोचा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव रहता हूँ। इनडिसाइसिव कौन सा वर्ड रहता है, इनडिसाइसिव, इनडिसाइजन जो भी वर्ड रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता हूँ इन सब डिसीजंस को लेने में। मैं अभी कोई मुझसे पूछ ले कौन सी बाइक चाहिए तो मैं जल्दी से बता दूंगा ये वाली चाहिए, लेकिन कोई मुझसे ये पूछे इस तरीके के सवाल तो उसमें मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे को नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, वो वहाँ पे भी मेरे कोई दोस्त नहीं है ऐसे, तो काहे कोई झूठ बोलूँ, वहाँ तो और मेरे को इतना दिमाग ख़राब होता है, ऐसे अजीब अजीब से लोग आते हैं, मतलब एक आध लोग ठीक है अच्छे हैं, बाकी जितने भी हैं ना
कुछ मतलब नहीं है मेरे को उनसे। लेकिन लेकिन एक चीज़ अच्छी है, वहाँ पे लोग बेकार हैं, जिम अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जिम बेकार है, मतलब बेकार तो नहीं कह सकता, अच्छा ही जिम है लेकिन फिर भी बेकार है। और यहाँ के ट्रेनर अच्छे हैं, वहाँ का जो ट्रेनर है वो तो है, ऐसा है मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो ट्रेनर कैसे बन गया, इतना सा ठीक है, बिल्कुल इतना सा, और मेरे से भी ज़रा सा है, मेरे से भी ज़रा सी बॉडी लगती है उसकी, वो बात अलग है कि होगी नहीं दिखती, कभी होगी है ना, नहीं दिखती। और इतना यंग तो है, मेरे को तो लगता है यूट्यूब से सीख के आ गया होगा और हमको सिखा रहा होगा जैसा कि मैं करता हूँ बाकी वो, और बाकी यहाँ के जो ट्रेनर है ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हैं, मतलब कुछ प्रोफेशनल भी नहीं लगते इतने प्रोफेशनल, लेकिन लगते हैं कि हाँ ये इनने बनाई होगी कभी बॉडी तो अब ये सिखा रहे हैं। और वो तो है ही ऐसा जरा सा, वो कहाँ सिखाएगा, इसलिए मैं तो बात ही नहीं सुनता उनकी। और मैं रेट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, प्राइसिंग। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ करेंटली, वहाँ की है महीने की 2,500 रुपये, जो कि कटनी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कटनी के हिसाब से, भाई ये छोटा सा शहर है, इसमें थोड़ी ना तो भोपाल से ज़्यादा फीस लोगे, है ना। और यहाँ की जो फीस है ये है 2,000 रुपये। वो बात अलग है कि यहाँ की फ़ीस में सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ वाला मिल रहा है एरिया और कार्डियो मिल रहा है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे स्ट्रेंथ है, कार्डियो है, और हफ्ते में एक दिन क्रॉस ट्रेनिंग वाला, अरे क्या बोलते हैं यार, एक तो अभी दिमाग में था, यही बोलते हैं क्रॉस ट्रेनिंग जो भी रहता है, क्रॉसफिट क्रॉस ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर क्रॉसफिट है, बस इतना ही फ़र्क है। और क्रॉसफिट भी ऐसा, अरे यार मुड़ जाता हूँ, उतने आगे नहीं जा रहा मैं, वहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है उतने आगे जाने का, यहीं पे रहते हैं। और वैसे ही मेरे को तो सिर्फ बातें करनी है ना आपसे, मेरे को थोड़ी ना कहीं घूम रहा हूँ मैं, और वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर पहले की फुटेज में अच्छी फुटेज होती तो मैं बाहर नहीं निकलता, मैं अभी खाना खा रहा होता और फुटेज को अपलोड कर रहा होता या फिर एडिट कर रहा होता। लेकिन नहीं, आपकी तो फुटेज ही ख़राब है, आप फिर से बाहर जाओ, आप फिर से बनाओ, ये मैं कितनी कंप्लेनिंग करता हूँ ना टीआई यार। वैसे एक बात बताओ, वो कुत्ते को मैंने देखा नहीं था, अगर वो कुत्ता क्रॉस कर जाता ना तो हो गया था काम, लाइक इट वॉज लिटरली सेम कलर एज द बैकग्राउंड, तो दिखा ही नहीं वो मेरे को। अरे 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 जाओ निकल जाओ, अब मैं रुक ही गया था तो क्या करता। और बाकी बात इतनी ही थी आपको बताने के लिए, और अभी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ घर जाऊंगा, मज़े करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, नाचूंगा गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा थोड़ी देर, बैठ कर यूट्यूब चलाऊंगा। अरे क्या बोल रहा हूँ, एडिट करनी है अभी तो, अगर ये अभी एडिट करनी पड़ेगी घर जाकर, ठीक है। तो अब हम स्पीड ब्रेकर भी इतने बना के रखे हैं ऐसी रोड में जैसे बहुत स्पीड में चलाते होंगे लोग, कटनी है वैसे भी रोड तो ख़राब ही है कि, तो लोग क्या ही स्पीड में चलाएंगे, मैं ही चला सकता हूँ कि मेरे पास हिमालयन कहीं से भी गुदा दो, कहीं से भी कुछ कर दो, मेरे लिए बना के रखे, बाकी कुछ नहीं। देखो जैसे कि स्पीड ब्रेकर से मैं इनकी इज्जत तो ही ना करता हूँ, इनके ऊपर से ऐसे निकल जाता हूँ सेम स्पीड पर, बाकी बेचारे ये छोटे टायर वाले इन लोग को रुकना पड़ता है, तो ये सब इन लोग के लिए बना के रखे, मेरे लिए नहीं बना के रखे लोग, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। इतना सा एक काम कर दो मेरा, ठीक है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो साले, मतलब 100-200 लोग देख लेते हो लेकिन लाइक कितने रहेंगे, 6-7, तो लाइक तो कर दिया करो यार, मतलब इतना सा तो कर ही सकते हो तुम लोग मेरे लिए, कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में क्या व्लॉग बनाने के लिए, तो कर दो लाइक। और हाँ दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या लेके जा रहे हैं यार, इतना सारा पत्थर, अभी सोचो फाइनल डेस्टिनेशन मैंने देख चुकी है बहुत बार, अब मैं इसके ऐसे साइड से निकल रहा हूँ, एक पत्थर उठ का
और मेरे में पड़ गया, मेरा क्या होना है, मैं तो निपट जाना है, इसलिए जल्दी निकल जाओ। और सबसे 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 खतरनाक मेरे को जब लगता है, जब मैं ऐसे ट्रकों के पीछे चलता रहता हूँ और उनमें वो सरिये नहीं रखे रहते, रॉड्स, मेटल की रॉड्स, सरिये, अब आप लोग जो भी बोलते हो, तो वो रखी रहती ऐसी निकली निकली और उसके पीछे चल जाओ, उसमें ऐसा डर ये लगता है अगर मैं एकदम से घुस गया और उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो डिड ये एंड, वो सबसे खतरनाक लगता है, उसने मेरे को बचपन से ट्रॉमा दे के रखा है। तो ठीक है, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगा हो तो ये कमेंट में ये बता दीजिए कि क्या नहीं अच्छा लगा तो मैं सुधार सकूं। ठीक है, तुम लोग बताते भी नहीं हो कि क्या अच्छा लगा, बस कुछ भी नहीं बताते, बस नो इंट्रैक्शन, कुछ इंट्रैक्शन तो कर दिया करो यार, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, शब खैर, और हम अगले व्लॉग में मिलेंगे, बाय। यार कितना क्रिंजली मैं व्लॉग एंड करता हूँ। अरे छत्तीसगढ़िया, रायपुरिया है क्या? CG-10 कहाँ का रहता है? वहाँ का तो CG-4 है शायद, ये कुछ और है, ये रायपुरिया नहीं लगता है, बिलासपुरिया होगा। ये सब सारे छत्तीसगढ़ के भरे हुए कटनी में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में रहो ना, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। मेरे को पता नहीं छत्तीसगढ़ियों से कुछ वो नहीं है ऐसा, ऐसा मैं उसे बोलता हूँ, मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम खालिद की क्यों उड़ाते हो, बस ऐसे ही ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं खालिद भाई, है ना, ऐसे ही मज़े करते हैं हम लोग बस। ठीक है, रख दो, अब मैं बात नहीं कर रहा तुम लोग से। ठीक है, बाय। हाँ, तुम फ़ोन में बात कर लो, बहुत हो गया। अरे रोल्स रॉयस खड़ी है नकली वाली। ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। रख दो, बंद कर दो, चले जाओ, काट दी होगी अब तो मैंने।